इस वीडियो में हम देखते हैं सेकेंडरी जोन कैसे बनाते हैं या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखो, हमारे पास ये पहला सर्वर है, इसको हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाया हुआ है और इसी में हमने एडी कॉन्फ़िगर किया था। तो ये हमारा एडी इंटीग्रेटेड सर्वर है हमारा, ठीक है। तो ये पहला सर्वर है, तो ये प्राइमरी हो गया। और एक और बना हमें बनाना है जिसे सेकेंडरी बनाना है, एक सर्वर और हम लेंगे। तो वो हम सर्वर ले लेते हैं VM2। ये VM मशीन है, VM1 वाली एक और मशीन ले लेते हैं, ये है VM2। ठीक है, अब देखो DNS सर्वर कैसे कन्फिगर होगा। यहाँ पे सेकेंडरी DNS बनाने जा रहे हैं तो उस पर DNS सर्वर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए जाएंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन लेंगे। DHCP2 ये इसका नाम है, सर्वर का नाम, IP एड्रेस आ रहा है 1.52। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे DNS सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो DNS सर्वर पे टिक लगाएंगे, ऐड फीचर्स करेंगे और DNS सर्वर रोल इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, DNS सर्वर रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सर्वर जो है उसी की एक कॉपी यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, रीड ओनली कॉपी होती है। जो सेकेंडरी सर्वर जो आप बना रहे हो वो प्राइमरी सर्वर की एक कॉपी होगी, ठीक है। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, तो इसे कॉन्फ़िगर होने दो। ये देखो हमारे पास DNS सर्वर इंस्टॉल हो चुका है रोल, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे DNS सर्वर। देखो यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन दोनों ब्लैंक है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन में, राइट क्लिक करेंगे न्यू जोन। जैसे ही न्यू जोन करेंगे यहाँ पे लिखा आएगा वेलकम टू न्यू जोन विजार्ड, नेक्स्ट करेंगे। अब जोन का टाइप्स यहाँ पे देखो, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, तीन तरह के जोन हैं यहाँ पे। देखो प्राइमरी जोन तो बनता है प्राइमरी सर्वर के लिए, लेकिन हमें इसे बनाना है सेकेंडरी सर्वर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंडरी जोन इंस्टॉल करेंगे, तो चूज़ करेंगे सेकेंडरी जोन, नेक्स्ट करेंगे। जोन का नाम, तो यहाँ पे देखो हमने yahoo.com जोन बनाया था प्राइमरी सर्वर, तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे yahoo.com जोन का नाम, इसी को यहाँ पे होस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है मास्टर DNS सर्वर, तो मास्टर DNS सर्वर हमारा प्राइमरी DNS सर्वर है, उसको IP एड्रेस यहाँ टाइप कर देते 51 था उसका, और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओके लिख के आ गया, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो जैसे यहाँ फिनिश करेंगे यहाँ पे आपको yahoo.com नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है जोन इज़ नॉट लोडेड बाय द DNS सर्वर। अब ये जोन इसलिए लोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने अभी इसको परमिशन नहीं दी है जोन ट्रांसफ़र की। तो इसके लिए क्या करेंगे, जोन ट्रांसफ़र की परमिशन देंगे, तो वो कैसे देंगे, प्राइमरी सर्वर से। तो अब हम चले जाते हैं अपने प्राइमरी सर्वर पे। ये देखिए हमारा ये प्राइमरी सर्वर है, इस पर आ गए हम और yahoo.com जोन को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देंगे। तो yahoo.com पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी और इसमें देखो यहाँ पे एक टैब बना आ रहा है, जोन ट्रांसफ़र टैब, इस पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ लिखा आ रहा है ए जोन ट्रांसफ़र सेंड ए कॉपी ऑफ द जोन टू द सर्वर्स दैट रिक्वेस्ट ए कॉपी। यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी सर्वर है उसने इसके लिए रिक्वेस्ट भेज दी है मेरे पास, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, जोन ट्रांसफ़र नहीं किया। तो जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा तब तक वो क्या है, रिक्वेस्ट कर तो देगा लेकिन अवेलेबल नहीं कर पाएगा उसकी कॉपी, वहाँ पे तभी आएगी जब मैं यहाँ से जोन ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ट्रांसफ़र टू एनी जोन एनी सर्वर और नोटिफाई ऑप्शन में जाऊँगा,
और यहाँ पे फॉलोइंग सर्वर में जाके आईपी एड्रेस डाल दूंगा अपने सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को। तो यहाँ पे देखिए अपने सेकेंडरी डीएनएस का मैं आईपी डाल 52 आईपी इसका है, एंटर प्रेस करेंगे, अब ये वैलिडेट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये वैलिडेट जल्दी कर ले तो इसके अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में उस सर्वर की एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ncpa.cpl में जाके अपने सर्वर पे अल्टरनेट डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 192.168.1.51 ये तो सर्वर का नाम हो गया, 192.168.1.52 ये हमारा अल्टरनेट डीएनएस है। तो ये प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया, ये देखो यहाँ पे आ गया है, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, रिफ्रेश कर दो। अब जाओ दूसरे सर्वर पे, तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सर्वर पे, यहाँ पे हमने सेकेंडरी जोन बनाया था, राइट क्लिक करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, उसके बाद देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखो ग्रेड आउट हो गए, रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिफ्रेश करेंगे तो उसके लिए F5 प्रेस करेंगे, रिफ्रेश ऑप्शन देखो यहाँ पे आएगा ये रहा। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे वाला जोन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो आप देख सकते हो yahoo.com की पूरी जोन ट्रांसफ़र हो चुका है, ये कंप्लीट कॉपी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये कॉपी कैसी है, रीड ओनली कॉपी है। जब हम यहाँ पे जाएंगे किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रीड ओनली कॉपी है, क्योंकि ये सेकेंडरी सर्वर है और ये रीड ओनली कॉपी स्टोर करता है, ये देखिए। तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड है उसको हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ये देखो सब ग्रेड आउट है। तो हमने यहाँ पे जाना कि कैसे सेकेंडरी जोन को कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब ये सेकेंडरी जोन कॉन्फ़िगर हो चुका है, आपका डीएनएस सर्वर यहाँ पे जो है आ चुका है, यहाँ पे सेकेंडरी जोन होस्ट हो चुका है, ठीक है। ncpa.cpl में जाओगे, अब एक काम आपको और करना है, यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर क्या डाल देंगे आप, देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने पहले सर्वर पे आ जाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ऐड करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड करना चाह रहा हूँ अदर न्यू रिकॉर्ड्स, कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड एक ऐड कर देते हैं, एंट्री आ गई। अब दूसरे सर्वर पे जाएंगे जो दूसरा डीएनएस सर्वर है, तो
अब चेक करेंगे वहाँ पे वो एंट्री आई कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये एंट्री यहाँ भी आ गई, देख रहे हो। यानी कि प्राइमरी सर्वर में जो भी हम रिकॉर्ड डालेंगे वो सेकेंडरी में सिंक होते रहेंगे अपने आप, ठीक है। यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, सेकेंडरी तो सिर्फ क्या है, कॉपी है उसकी, तो जो प्राइमरी में अपडेट करेंगे वही सेकेंडरी में आएगा, समझ रहे हो ना। तो जो हमने रिकॉर्ड बनाया था सर्वर वन वो यहाँ आ गया, देखो इमिडिएटली क्या होता है, ये सिंक होता रहता है। अगर सिंक ना हो किसी वजह से तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ट्रांसफर न्यू कॉपी ऑफ द जोन फ्रॉम मास्टर, इसके लिए नई कॉपी भेजने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि अपडेट नहीं हो पाता, उसके लिए होता है। वैसे तो ये अपडेट हो जाता है, सिंक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नई फ्रेश कॉपी सर्वर से अपलोड कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन है ट्रांसफर ए न्यू कॉपी ऑफ द जोन फ्रॉम द मास्टर, ठीक है। और उस जोन को दोबारा से रीलोड भी कर सकते हो, ये देखो तो ये रीलोड हो जाएगा। बात समझ आई, सेकेंडरी कैसे कन्फिगर किया हमने।